इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीका से आप इनफिक्स से प्रीफिक्स में किसी भी एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि आप ऐसा विदाउट यूजिंग स्टैक कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप यूजिंग स्टैक ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप इनफिक्स से प्रीफिक्स में चेंज करने जा रहे हैं तो उसके कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको कंसिडर करना होगा। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बस आपको ये रूल एक तरीका से कह सकते समझ लेना है, बस ये रूल बस मैं लिख दे रहा हूँ और आपको समझ लेना है, लिखने की जरूरत नहीं, यदि आप चाहे तो लिख सकते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपको जो भी एक्सप्रेशन रहेगा उसको रिवर्स करना है, ठीक है। पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ इनफिक्स से आप प्रीफिक्स कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसीलिए रिवर्स करना जरूरी है, ठीक है। दूसरा टॉपिक आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप में आपको प्रेसिडेंसी देखना है, यानी कि कौन सा कितना नंबर पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यानी बेसिकली मैथ में जैसे आप सॉल्व करते हैं सम बॉड मास के बेसिस पे, वैसे ही आपको यहाँ पर प्रेसिडेंस देखना पड़ता है। इसमें पहले ब्रैकेट आता है, फिर पावर आता है, फिर आपका डिवाइड मल्टीप्लाई साइमल्टेनियसली आता है, डिवाइड मल्टीप्लाई आपका प्लस माइनस साइमल्टेनियसली आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझना होता है, ठीक है। दूसरा और तीसरा प्रॉपर्टी आपको क्या दिखना है, आपको देखना है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आपका कहता है कि यदि कोई आपका एक्सप्रेशन पहले आता है तो आपको पहले उसका यूज करना है। जैसे प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं तो उसमें जो पहले आते हैं, जैसे प्लस पहले आया, जैसे इस एक्सप्रेशन में ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ प्लस पहले आया तो आपको सिंपल उसका यूज करना है, इसको एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं। बहुत सारी चीजें जो होती हैं, जैसे आपका प्लस माइनस या फिर डिवाइड मल्टीप्लाई, ये आपका लेफ्ट टू राइट एसोसिएट होता है, और तो और आपका पावर जो होता है वो आपका राइट टू लेफ्ट एसोसिएट होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब कभी भी आपका प्रेसिडेंसी खत्म हो जाए, प्रेसिडेंस खत्म हो जाए, तो आपको एसोसिएटिविटी रूल देखना होता है, जो पहले आता है उसका काम करना पड़ता है, ठीक है। चौथा स्टेप में आपको क्या करना है, चौथा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि कभी भी आपको ऑपरेटर मिलता है, या फिर पहले ऑपरेंड की बात करें, ऑपरेंड मिलता है तो आपको क्या करना है, सिंपली चीजों को प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में आपको प्रिंट कर देना है। सिंपल तरीका से आपको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में प्रिंट कर देना है विदाउट मेकिंग एनी टाइप ऑफ चेंज, आपको बेसिकली यही करना है। पांचवा, यदि आपको कोई ऑपरेटर मिलता है तो आपको क्या करना है, ऑपरेटर मिलता है तो आपको बेसिकली क्या करना है, बेसिकली आपको स्टैक एक्सप्रेशन में, स्टैक एक्सप्रेशन में प्रिंट करना है, स्टैक एक्सप्रेशन में प्रिंट करना है। यदि कभी भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है हमारा, कभी भी क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है तो आपको एज इट इज प्रिंट कर देना है, एज इट इज प्रिंट, ठीक है, आपको एज इट इज प्रिंट कर देना है। मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल से, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बस आप इस रूल को समझ लीजिए, ठीक है। सातवां, यदि आपको क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है तो आपको क्या करना है, पॉप आउट फ्रॉम स्टैक अंटिल ओपनिंग ब्रैकेट इज फाउंड, ठीक है। जब तक कि आपको ये ब्रैकेट नहीं मिल जाए तब तक आपको जितने भी एलिमेंट है उसमें से, स्टैक में से आपको पॉप आउट करना है, पॉप आउट करके कहां पर रखना है मैं आपको बताऊंगा। तो ये सातवां रूल आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। रूल आपको क्या कंसिडर करना है, व्हेनेवर यू गेट द ऑपरेटर ऑफ लो प्रेसिडेंस then you have to put the higher, you have to pop the higher precedence operator to the prefix expression from stack। ठीक है, ये एट्थ रूल आपको ध्यान समझना है। whenever you get the operator of low precedence,
यानी जब कभी भी आपको लो प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर मिलता है, देन यू हैव टू पॉप द हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर टू द यू हैव टू पॉप द हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर टू द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो आपको स्टैक में जो हायर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर होता है आपको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में भेज देना पड़ता है, ठीक है। ये रूल आपको याद रहेगा। नाइन्थ रूल, बस ये लास्ट रूल होने वाला है जो आपको कंसिडर करना है, फिर आप इनफिक्स से प्रीफिक्स कन्वर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट होने वाले हैं। नाइन्थ रूल आपको क्या देखना है कि जब कभी भी आपको हायर प्रेसिडेंस वाला कोई ऑपरेटर मिलता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली प्रिंट इन स्टैक, दिस इज आवर क्वेश्चन विच इज ए एस्ट्रिक बी प्लस सी एंड दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन इज नीडेड टू बी चेंज्ड इन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। सो हाउ यू कैन चेंज दिस, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। ओके, तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना है, टेबल में 3 कॉलम क्रिएट करना है, ठीक है, और ये रूल को फॉलो करना है, आप कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपको बेसिकली क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है, उससे पहले पहला रूल फॉलो करेंगे। अब आपको इसको स्टैक में चेंज करना है, तो पहले आ रहा है हम लोग का ऑपरेंड। ऑपरेंड के बारे में मैंने क्या बताया, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में प्रिंट कर देना है। ओके, तो मैं प्रिंट कर दिया। अब आपको अगला स्टेप करना है ऑपरेटर के साथ। ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको क्या बताया, यहां देखिए ऑपरेटर के बारे में मैंने बताया स्टैक में प्रिंट करना है, तो मैं स्टैक में प्रिंट कर दूंगा और ये ऐसे उतार दूंगा। अब आपको अगला ऑपरेटर मिलता है, सॉरी ऑपरेंड मिलता है, तो आपको स्टैक में ऐसे उतार देना है और प्रिंट कहां करना है, प्रिंट करना है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में। अगला आपको मिल रहा है एक ऑपरेटर इनटू, ठीक है, इनटू जो है आप देख सकते हैं प्लस से ज़्यादा प्रेसिडेंस रखता है। यहाँ पर आप देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, तो पहले हमारा जो होता है वो इनटू होता है प्लस से, तो इनटू जो है वो ग्रेट प्रेसिडेंस वाला है। तो आपको क्या करना है, ग्रेट प्रेसिडेंस के लिए मैंने आपको बताया हायर प्रेसिडेंस, सिंपली प्रिंट इन स्टैक, आपको स्टैक में प्रिंट कर देना है हायर प्रेसिडेंस वाला हो तो। प्रिंट कर दिया मैंने और इसको आपको एज इट इज उतार देना है। अगला आता है ए, मैंने लिख दिया ए। ओके, अब इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता है, ये ऐसे उतार दिया मैंने। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके साथ ये वाला प्रिंट कर देना, क्योंकि मैंने आपको बताया ये रूल लिखा हुआ है ऑपरेटर में, यदि होगा तो आपको सिंपली क्या करना है, स्टैक में प्रिंट करना है, यदि आपका ऑपरेंड होगा तो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में प्रिंट करना है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को भी फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का कन्वर्ट। अब क्या करना है, आपको ये वाला चीज यहां पर लिखना है, लिख दिया मैंने, और ये वाला जो आपको दिख रहा है आपको फ्रॉम हेयर टू हेयर लिखना है। ओके, यानी कि द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक टू द बॉटम एलिमेंट ऑफ द स्टैक तक आपको लिखना है। तो टॉप मोस्ट हम लोगों ने लिख दिया प्लस। ओके, अब आपको क्या करना है कि हमारा कन्वर्ट हो गया, नहीं वापस अब आपको रिवर्स करना है, तो रिवर्स कर दीजिए प्लस इनटू ए बी सी, ये हो गया हम लोगों का कन्वर्ट। तो देख सकते हैं हम लोगों ने इनफिक्स एक्सप्रेशन से प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में बखूबी चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं सबसे टॉप मोस्ट में आपको क्वेश्चन मिल रहा है, यह है सबसे ऊपर क्वेश्चन। अब आपको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स में यूजिंग स्टैक। तो स्टैक का यूज करके मैं इसको करूंगा। पहला काम रिवर्स कीजिए और क्वेश्चन का रिवर्स, आप देख सकते हैं ऊपर आपको दिख रहा होगा ये वाला, एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा। अब मैं इसको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग स्टैक, वो भी प्रीफिक्स में। तो पहला आपको क्या करना है, क्यू उठाना है, यहां लिखना है। अब मैं एक एक स्टेप एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप जान रहे हैं, यदि ऑपरेंड रहा तो आपको प्रीफिक्स में सीधा प्रिंट, यदि ऑपरेटर हुआ तो स्टैक में प्रिंट, और कुछ रूल्स, छोटे से रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। तो पहले क्यू, तो यहां पर हम लोगों ने क्यू कर दिया, फिर प्लस, प्लस यहां पर होगा क्यू, फिर टी, टी यहां पर नहीं होगा, ये ऐसे उतर जाएगा, टी यहां होगा, फिर उसके बाद इनटू, इनटू का प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा तो ऐसे उतर जाएगा, फिर क्यू टी, उसके बाद आता है वी, वी क्योंकि एक ऑपरेंड है तो यहां पर उतरेगा क्यू टी वी, और उसके बाद डिवाइड,
डिवाइड का सेम प्रेसिडेंस, अब मैंने आपको बताया यदि सेम प्रेसिडेंस आता है तो आपको एसोसिएटिविटी चेक करना है। एसोसिएटिविटी के बारे में मैं आपको बताया, ये लेफ्ट टू राइट फॉलो करते हैं और ये जो एक्सपोनेंट पावर है ये बेसिकली राइट टू लेफ्ट फॉलो करते हैं। यदि लेफ्ट टू राइट फॉलो करें तो आपको क्या करना है, एज इट इज उतार देना है। क्या करना है, एज इट इज उतार देना है। तो मैंने एज इट इज उतार दिया, क्यू टी वी, ओके। अब अगला आता है आपका ऑपेरेंड प्लस इंटू डिवाइड क्यू टी वी यू, हो गया। अब उसके बाद फिर आता है डिवाइड, तो डिवाइड का सेम प्रेसिडेंस, तो लेफ्ट टू राइट एज इट इज उतार दीजिए और क्यू टी वी यू भी एज इट इज उतार दीजिए। अब डिवाइड हो गया, अब आता है डब्ल्यू, देख सकते हैं डिवाइड के बाद डब्ल्यू। डब्ल्यू एक आपका ऑपेरेंड है तो इसीलिए आपको क्या करना है, एज इट इज उतार देना है, क्यू टी वी यू डब्ल्यू हम लोगों ने उतार दिया। अब अगला आता है मल्टीप्लाई, ये रहा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम प्रेसिडेंस, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही उतार देना है स्टैक में। ये आपको ध्यान रखना है कि सेम प्रेसिडेंस, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी आपको उतार देना है। अब आता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो थोड़ा देखिए ब्रैकेट के बारे में मैंने आपको क्या बताया। ब्रैकेट पहचानिए, क्लोजिंग ब्रैकेट एज इट इज प्रिंट कर देना है, ठीक है। ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, एज इट इज प्रिंट कर दीजिए, तो मैं कर देता हूं, हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। अब अगला आता है एक ऑपरेटर, ये रहा ऑपरेटर, सॉरी ऑपरेंड। तो आपको इसको ऐसे ही उतार कर, इसको ऐसे ही उतार देना है, इसको ये आपको यहां पर लिख देना है। अब अगला आता है हम लोगों का पावर, ये रहा पावर, ठीक है। अब पावर भी काफी ज्यादा प्रेसिडेंस इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको क्या करना है, एज इट इज उतार देना है, मैंने आपको, और इस चीज को भी आपको उतार देना है। अब अगला आता है ऑपरेंड, तो ऑपरेंड को आप ऐसे उतार दीजिए, पी ओ हम लोगों ने उतार दिया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आता है क्लोजिंग ब्रैकेट, ये रहा क्लोजिंग ब्रैकेट। अब ये रहा हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट, ये रहा ओपनिंग ब्रैकेट। मैंने आपको बताया यदि आपको ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है, ये रहा हमारा ओपनिंग ब्रैकेट, यदि मिलता है तो पॉप आउट फ्रॉम स्टैक अंटिल क्लोजिंग ब्रैकेट इज फाउंड। जब तक कि आपको क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता है, आपको बेसिकली क्या करना है, ऑपरेटर को पॉप आउट करना है। तो ये रहा हम लोग का ओपनिंग ब्रैकेट। अब हम लोगों को क्या करना है, स्टैक में से ऑपरेटर को पॉप करना है। तो हम लोगों ने स्टैक से ऑपरेटर को पॉप किया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, हम लोगों ने कर दिया पॉप, देख सकते हैं एक्सपोनेंट यहां पर आया, तो हम लोगों ने सक्सेसफुली पॉप कर दिया। अब अगला दोनों ब्रैकेट का काम हो गया। अब आता है प्लस वाला, ये रहा प्लस आया। जब कभी भी आपको यहां पर एक ऐसा ऑपरेंड मिलता है, सॉरी ऑपरेटर मिलता है, जब कभी भी यहां, तो आपको यदि इसका प्रेसिडेंस काफी ज्यादा कम होता है इस वाले ऑपरेटर से, तो आपको क्या करना पड़ता है, रूल देखिए, वेन एवर यू गेट द ऑपरेटर ऑफ लो प्रेसिडेंस देन यू हैव टू पॉप द हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर टू द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो आपको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में पॉप करना है, पॉप कर देता हूं मैं, ये रहा क्यू टी वी U W P O एक्सपोनेंट। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर सारे प्लस वाले तक जितने भी अधिक पावर वाले हैं, मैं सबको यहां पर पॉप कर दूंगा इन प्लस इनटू डिवाइड इनटू। देख सकते हैं हम लोगों ने पॉप कर दिया, ये हमारा काम हो गया। तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं क्योंकि यहां काम नहीं है। अब ये प्लस वाला क्या होगा, यहां पर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अब प्लस प्लस सेम सेम एसोसिएटिविटी, तो सीधा स्टैक में उतरेगा, समझ में आ रहा होगा आपको। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप फॉलो करना है एन, ये रहा हमारा एन, उम्मीद है नीचे तक आपको दिख रहा होगा। फिर मैं यहां पर लिखूंगा इसको मिटाकर, यदि आपने अभी तक लिख लिया तो सही है। अब यहां पर आपको एन जो मिला, एक आपको देख सकते हो, ठीक है, ऑपरेंड हम लोगों ने सिंपली प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में उतार दिया, ठीक है।
तो इतना दूर तक आपको लिख लेना है, मैं थोड़ा अभी यहाँ पर लिखूंगा क्योंकि स्क्रीन में आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो एन के बाद आपका आता है इंटू, तो मैं यहाँ पर इंटू लिख देता हूँ, ठीक है। इंटू के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे नीचे में प्लस प्लस ऑपरेटर आपको दिख रहा है, और इंटू जो है वो बेसिकली इससे ज़्यादा प्रेसिडेंस रखता है। रूल पढ़िए, आपको एज इट इज उतार देना, प्रिंट कर देना है। तो मैं एज इट इज प्रिंट कर दे रहा हूँ इंटू को, हो गया हम लोग का स्टैक का काम, और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन उतार। ये कॉलम मैं यहाँ पर अच्छा से ड्रॉ कर देता हूँ अगेन, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो देख सकते हैं ये हमारा कॉलम। अब आपको क्या करना है, अगला ऑपरेटर चूज करना है इंटू के बाद एम, ये रहा एम। एम के बाद एम एक क्योंकि ऑपरेंड है तो आपको ऐसे ही उतार देना है, क्यू टी वी यू डब्ल्यू पी ओ पावर इंटू डिवाइड डिवाइड इंटू एन एम, ठीक है, हम लोगों का काम हो गया। अब एम के बाद आते हैं माइनस, माइनस लो प्रेसिडेंस वाला है, लो प्रेसिडेंस वाला, तो क्या करना है वही, यहां से आपको ऑपरेटर को पॉप करना है और यहां पर भेजना है, क्यों, क्योंकि ये लो प्रेसिडेंस वाला है। प्लस प्लस इंटू मैं भेज दूंगा क्यू टी वी यू डब्ल्यू पी ओ पावर इंटू एन एम, ठीक है, और यहां से इंटू उठ करके चला गया यहां पर, ठीक है। अब अगला आता है माइनस, हो गया हम लोग का माइनस, यहां पर लग सकते हैं अब क्योंकि माइनस सेम सेम प्रेसिडेंस वाला, तो स्टैक में प्रिंट हो जाएगा, ओके। अब आपको क्या करना है, अगला एक्सप्रेशन एल लिखना है, ओके। एल एक मालूम है ऑपरेंड है, कितना बार मैं आपको बताऊं, तो इसको एज इट इज यहां पर एल प्रिंट, कोई दिक्कत। अब एल के बाद आता है प्लस, प्लस सेम प्रेसिडेंस माइनस के साथ, तो ऐसे उतार दीजिए, ओके ओके। तो प्लस का काम हो गया हम लोगों का। अब अगला आता है एक ऑपरेटर के, सॉरी ऑपरेंड के, तो यहां मैं ऑपरेंड ये हो गया हम लोगों का फाइनल, ठीक है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। अब क्या करना है वापस, जो जैसा मैंने आपको बताया, अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया ये चीज लिखना है क्यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम लिखना है, तो प्लस माइनस प्लस प्लस, ठीक है, इतना काम आपको करना है। अब आपको सिंपली इसको रिवर्स कर देना है, प्लस ये हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, मैंने किया कि इस वीडियो में सबसे पहले जो आपको मिलता है ऑपरेटर या फिर एक्सप्रेशन इनफिक्स वाला, तो आपको बेसिकली क्या करना है, उसको रिवर्स कर देना है। रिवर्स करने के बाद तीन कॉलम बनानी है। यदि आपका ऑपरेटर आता है तो आपको स्टैक में प्रिंट करना है, ऑपरेंड आता है तो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में प्रिंट करना है। और ये कुछ 9 रूल है जो आपको फॉलो करने हैं। यदि आप ये 9 रूल फॉलो कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपको बड़ा आसानी से सब कुछ आ जाएगा। तो एक बार यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए ये कंप्लीट बोर्ड का, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।